हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो पे आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग अपना यूएन यानी कि ईपीएफओ का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो पर चेंज करने के टाइम वहाँ पर लिख के आ रहा है यू आर डिटेल नॉट मैचिंग, यानी कि आप लोगों का आधार नंबर जब डालते हो, क्योंकि पुराने पीएफओ का पासवर्ड जब चेंज करते तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था, वेरीफाई हो जाता है। अभी काफ़ी सारी जहाँ पर चेंजिंग कर दिया है तो उसमें से अभी आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें मांगता है। तो यहाँ पर जब आधार कार्ड अपना डालते हो और उसके बाद वहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को डिटेल जो आप लोगों ने डाली है मैच नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सिंपल से आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा। पहले तो यहाँ पर आप लोग क्रोम ब्राउजर जैसे कि यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर लेते हो, यूएन लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूएन प्राइवेट फंड करके आएगा आप लोगों को सबसे पहले कॉलम पे, उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड अपना डालते हो तो लॉगिन हो जाते हो। अगर नहीं आप लोगों को पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करते हो, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक किया, अभी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग इंटर यूएन नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड, तो आप लोगों को यूएन नंबर और कैप्चर कोड डाल लेना है और यहाँ पर डाल लिया। उसके बाद कैप्चर कोड डाल लेना है, तो कैप्चर कोड जो लिखा है आप लोग कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, तो नाम जो है आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जनरल। अभी यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने का है तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो गया। अभी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग आधार नंबर और कैप्चर कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चर कोड डालते हो और यहाँ पर ही आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो सिंपल से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जैसे कि प्रॉब्लम आ रही है जो इस तरह आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल लिया और यहाँ पर आप लोगों को जो कैप्चर कोड है वो भी डाल देता हूँ। कैप्चर कोड भी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए टिक मार्क देना पड़ता है, मैं आपकी ये कंडीशन जो है सहमत हूँ उससे, और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिया तो वेरीफाई पे क्लिक करते हो। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये देखिए आ रहा है टेम्परेरी प्रॉब्लम योर आधार सर्वर प्लीज़ ट्राई अगेन समथिंग, इस तरह आ रहा है। या फिर आप लोगों को बोल रहा है कि डिटेल जो डाली है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम अगर आ रही हैं इस तरह की तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक एंड ओटीपी डाटा आधार बेसिक अथॉरिटीजन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है जो आपने आधार नंबर पे मोबाइल नंबर मतलब रजिस्टर किया है वो वहाँ पर एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलता है। बस वेरीफाई अगर कर लोगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने भी यही किया और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन वगैरह भी कर सकता हूँ, अपना आधार जो नंबर है मतलब अपना जो पासवर्ड वगैरह डाल के अपना लॉगिन कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। और ये मैंने आप लोगों को, ये मैंने पहले वीडियो शूट किया था इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताया है। अभी मैं आप लोगों को जैसे कि मैं अभी जो प्रॉब्लम थी मेरी सॉल्व मैंने कर दिया, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लॉगिन करके। मैं बैक हो लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर आ जाता हूँ बैक होम पेज पर, और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अपना पासवर्ड और यूएन नंबर डाल के। तो यहाँ पर देखिए मैंने पासवर्ड और यूएन नंबर डाल के यहाँ पर देखिए कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड भी डाल लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ साइन इन करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। ये देखिए मेरा नाम वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आप लोगों को आधार सेंटर पे जाना है, वहाँ पर आप लोगों को एक बार अंगूठा लगा के वेरीफाई करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं होगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। सो दोस्तों आज के वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।